आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बिना पर्ची बिना खर्ची रोज़गार देने का एक दावा किया है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के रोज़गार दे रहे हैं, युवाओं को अब घूस नहीं देना पड़ता। इसी बात को लेकर कोट गांव में पहुंचे हैं और यहां की सरदारी है, इनसे पूछते हैं क्या सीएम नायब सैनी का दावा सही है। नमस्कार सर। सैनी का दावा बिल्कुल सही है। अपने नाम भी बता दो। नाम मुथरा है। सीएम सैनी का कहना है अब हम बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दे रहे हैं, तो सीएम साहब ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सीएम साहब। क्या आप घूस देना पड़ता है? नहीं, अभी बिना पर्ची बिना खर्ची के काबिलियत पे रोजगार मिल रहा है युवाओं? बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा है रोजगार, ताऊ का कहना है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम सर? श्री। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दे रहे हैं, घूसखोरी बंद हो गई है, खासकर जॉब में, तो क्या इस बात को आप ठीक मानते हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल ठीक मानते हैं और सैनी साहब जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा जो बढ़िया है और अच्छी बात है। अब और काबिलियत इतनी बढ़िया, जो बालक काबिलियत कर रहा उसको रोजगार मिल रहा, बढ़िया बढ़िया सर्विसन पर लग रहे हैं और सैनी साहब बढ़िया काम कर रहे हैं और सैनी साहब ही होना चाहिए। लेकिन सर काम तो कर रहे थे, अचानक से चुनाव की घोषणा हो गई और सीएम साहब के हाथ कट गए, हालांकि 6 महीना उन्होंने काम किया। अब आप लोग वोट देंगे तभी दोबारा सीएम बन पाए? वोट देंगे जी, खूब जोर लगाएंगे, वोट देंगे और सीएम साहब को यही बनना चाहिए, बनाएंगे भाई। तो दोबारा लाएंगे? दोबारा लाएंगे सीएम साहब को। 6 महीने का काम काज ठीक था? काम बहुत बढ़िया, काम बढ़िया था 6 महीने का, और कह रहे हैं भैया फिर से मौका देंगे और फिर से उनको सीएम बनाएंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम सर? रणजीत। रणजीत जी, आप भी सीएम साहब के काम को ठीक मानते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। जो कह रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के जॉब मिल रही है, अब वो काबिलियत के हिसाब से बढ़िया मिल रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं। कई 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 जो काम है, बिजली के बिलन पे जो ब्याज लगा हो वो सारा खत्म हो गया और अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो सारी तकरीबन जितना भी काम हो रहा हो वो अच्छा हो रहा है और बढ़िया। दोबारा भी हम सैनी साहब को ही चाहते हैं। तो 1 अक्टूबर को कमल का बटन दबेगा? हाँ, बीजेपी को बिल्कुल, बीजेपी को लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। कह रहे हैं 1 अक्टूबर को बटन दबेगा कमल का, कमल का फूल दबेगा, बहुत जोर था, दो बार दबाएंगे। दो बार नहीं दबाना, एक ही बार। हाँ, टू करेगा जब तक नवाजुद्दीन सैनी साहब को दबेगा। पता चला आप दो बार दबाएं वोट ही कैंसिल हो ना, आप दोबारा ही दबेगा, एक बार पहले दबेगा, एक बार अब दबाएंगे। ठीक है जी, कह रहे हैं भैया विधानसभा चुनाव में भी कमल का बटन दबेगा, इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी कमल का बटन दबा था। राम राम जी। राम राम जी। तो आप भी कमल का बटन दबाएं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाकी जो बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने के दावे हैं उसको ठीक मानते हैं? बहुत खुश है जी, ये गरीब आदमी की सरकार है, गरीब आदमी की, गरीब आदमी। इसे युवाओं को अभी घूस तो नहीं देना पड़ रहा? नहीं जी, नहीं, कोई किसी बच्चे को घूस देनी नहीं पड़ती। पहले घर बेचना पड़ता था, अपना जमीन बेचनी पड़ती। अजी नेता के पास घूमे, पैसा भी दे, जब कोई मिले किसी खर्ची पर्ची थी, अभी काबिलियत पे मिल रही, काबिलियत पे मिल रही बच्चे। आप भी भैया ठीक मानते हैं? हाँ जी, हाँ बढ़िया मानते हैं जी। नए सीएम साहब को फिर से लाएंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं नायब सैनी साहब और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और हम बीजेपी की वोट देंगे, कमल के फूल पे बटन दबाएंगे 1 अक्टूबर को और 4 को ऊपरले वाला सुनाएगा उनकी। राम राम जी। राम राम जी। आप भी नायब सैनी को लाएंगे दोबारा? हाँ जी। तो रोजगार मिल रहा है युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची? मिल रहा है, मिल रहा है, घूस नहीं देनी पड़ रही ना? नहीं। अच्छा जी, ताऊ राम राम। राम राम जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। नायब सैनी को लाएंगे दोबारा? हाँ जी, बहुत जोर से। 6 महीना काम किया उन्होंने? हाँ जी। तो फिर से लाएंगे उनको? फिर से लाएंगे जी। तो रोजगार मिल रहा है बिना पर्ची बिना? मिल रहा है। हाँ जी, बिना पर्ची। काम हो रहे हैं जनता? हाँ सब काम हो रहे हैं। चलो जी, जनता के काम हो रहे हैं। जो भी है, सीएम सैनी को 6 महीना सीएम के रूप में काम करने का मौका मिला। अभी हरियाणा में चुनाव की अनाउंसमेंट हो गई है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है कि 1 अक्टूबर को मतदान है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं कह रहे हैं भैया हम फिर से हम कमल का बटन दबाएंगे और सीएम नायब सैनी को ही बनाएंगे, लाएंगे दोबारा। लाएंगे, सब लाएंगे जी, सब कह रहे हैं हम नायब सैनी को ही दोबारा लाएंगे। देखते हैं क्या सच में नायब सैनी दोबारा सीएम बनते हैं, बढ़ेंगे। देखते हैं भाई। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।